बच्चों आज हम एक्सरसाइज 2.2 का पेज 28 पे एनसीईआरटी के फर्स्ट सॉरी फर्स्ट नहीं है ये कौन सा नंबर है ये सेकंड नंबर ले रहे हैं पेज 28 पे सेकंड नंबर ठीक है पेज 28 पे सेकंड नंबर ठीक है ये करने से पहले फिर से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला ऊपर लिख दो मार्जिन पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है क्या होगा फॉर्मूला 2 ब्रैकेट में L प्लस बी ठीक है तो देखो सेकंड द पैरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर ठीक है एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का जो पैरीमीटर है वो है 154 मीटर इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल देखो कह रहा है कि एक पूल है ठीक है एक स्विमिंग पूल है वो रेक्टेंगल शेप में है और रेक्टेंगल शेप में उसका पैरीमीटर है 154 मीटर ठीक है इस तरह से एक पूल है वो रेक्टेंगल शेप में है और उसका पैरीमीटर है 154 मीटर इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ उसकी जो लेंथ है वो 2 ज्यादा है 2 मीटर ज्यादा है ट्वाइस इट्स ब्रेथ What are the length and the breadth of the pool? ठीक है length क्या है pool की और breadth भी क्या है pool की ठीक है तो its length is 2 meter more than twice its breadth. तो देखो जो पीछे लिखा हुआ है उसे x suppose करो ठीक है x किसको suppose करोगे देखो दोनों find करने हैं length भी find करनी है breadth भी find करनी है तो x किसको suppose करोगे जो पीछे लिखा हुआ है breadth को तो क्या लिखोगे solution Let the length of the pool is कितना है length x meter ठीक है अच्छा क्या बोल रहा है its length is अभी देखो word पे जाओ वो क्या बोल रहा है equation देखो its length is क्या बोल रहा है its लेंथ इट्स लेंथ का मतलब लेंथ इसका मतलब इक्वल टू इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर मोर का मतलब प्लस प्लस 2 मीटर मोर देन ट्वाइस ट्वाइस इट्स ब्रेथ मतलब 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ ब्रेथ क्या सपोज किया है अच्छा ब्रेथ एक्स करना था ना पीछे लिखते हैं उसको एक्स सपोज करते हैं ठीक है लेट द ब्रेथ ऑफ द पूल इज एक्स मीटर मैंने क्या बोला था जो पीछे लिखा हो ना उसको एक्स सपोज करते हैं ठीक है ब्रेथ को एक्स सपोज करें तो लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ तो ट्वाइस इट्स ब्रेथ ट्वाइस मतलब 2 मल्टीप्लाई ट्वाइस मतलब 2 मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करना है ब्रेथ क्या है एक्स तो 2x ठीक है तो therefore length is equal to multiply x 2x plus 2 ठीक है ये कहां से किया आपने क्वेश्चन से किया ठीक है जब आपने क्वेश्चन इतना पढ़ा ना ये क्वेश्चन की इतनी लाइन पढ़ी तो आप ये लेंथ बना पाए ठीक है अच्छा क्वेश्चन की पहली लाइन तो आपने यूज ही नहीं की ठीक है तो पेरीमीटर वर्ड है पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी ठीक है फॉर्मूला है ठीक है जहां पेरीमीटर वर्ड आएगा वहां उसकी फॉर्मूला जरूर लिखनी पड़ेगी ठीक है पैरामीटर क्या दिया हुआ है 154 दिया हुआ है 154 ठीक है तो देयरफॉर 154 इज इक्वल टू 2 का 2 ब्रैकेट एल क्या है एल एल है आपका 2x प्लस 2 क्या है 2x प्लस 2 प्लस ब्रेथ क्या है आपका x ठीक है ब्रेथ क्या है x अच्छा अब क्या करेंगे तो देयरफॉर
154 = 2। ठीक है, आपने क्या किया, लेंथ में लेंथ की वैल्यू डाली 2x + 2 और ब्रेथ में ब्रेथ की वैल्यू x डाली, ठीक है, जो सपोज किया था। ठीक है, तो सॉल्व करो, अभी 2x + x कितना होगा, 2x + 1x 3x, ठीक है, +2, 2x + यहाँ 1 लगा दो, 2x + 1x 3x। ठीक है, अच्छा बोर्ड मास के रूल के हिसाब से ब्रैकेट ओपन कर दो। अब तो सॉल्विंग तो आती है, कितनी सारी सीखी है सॉल्विंग। ठीक है, तो देयर फोर ब्रैकेट ओपन करो, 154 = 2, 3 = 2, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 154 = 2, 3 = 6x + 2, 2 = 4। ठीक है, अच्छा आप क्या करेंगे, 4 उधर ले जाएंगे तो होगा माइनस। ठीक है, तो देयर फोर 154 - 4 = 6x। ठीक है, 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, 154 में से 4 गया 150, ठीक है, = 6x। तो देयर फोर 150/6 = x। ठीक है, कट शॉर्ट करो, 2 3 = 6, 2 7 = 41 बचा, 2 5 = 10। ठीक है, 75/3, 3 1 = 3 2 = 6 1 = 3 5 = तो क्या बचा, 25 मीटर, x = 25 मीटर। पर आपको खाली x मतलब खाली ब्रेथ नहीं फाइंड करना है, आपको लेंथ भी फाइंड करना है। ठीक है, सिर्फ ब्रेथ नहीं, x मिला, ब्रेथ है x से, आपने तो खाली ब्रेथ फाइंड किया, अभी लेंथ बाकी है। ठीक है, लेंथ कैसे फाइंड करोगे, तो लेंथ का फॉर्मूला है 2x + 2, इसमें वैल्यू डाल दो। फॉर्मूला मतलब ये आपने क्वेश्चन बन के बनाया, क्वेश्चन पढ़ा ना तो ये बना। ठीक है, कोई घर से नहीं लाई हमने, ये लेंथ आपकी क्वेश्चन की लाइन रीड की सेकंड है, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जब आपने लाइन रीड की ना तो ये आपका फॉर्मूला बना। ठीक है, तो लेंथ क्या होगा, ये आपने x फाइंड किया, ये क्या फाइंड किया, 25 मीटर, ब्रेथ फाइंड किया। ठीक है, तो देयर फोर ब्रेथ इज 25 मीटर। ठीक है, तो लेंथ कैसे लिखेंगे, तो लेंथ इज इक्वल टू 2x + 2। ठीक है, अभी मेरा यहाँ जगह खत्म हो गया, यहाँ भी नहीं है, मैं उस साइड लिखती हूँ। ठीक है, तो लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ इज इक्वल टू 2x + 2, लेंथ इज इक्वल टू 2x + 2 है। ठीक है, इज इक्वल x की वैल्यू क्या है, 25। ठीक है, x की वैल्यू 25 है तो डाल दो 2 × 25 + 2। ठीक है, 2 × 25 = 50 + 2। ठीक है, 50 + 2 = 52, तो लेंथ कितनी आई, 52 मीटर। ठीक है, तो क्या लिखोगे, वॉट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल, देयर फोर लेंथ ऑफ द पूल इज 52 मीटर और ब्रेथ क्या है, 25 मीटर। ठीक है, वो 52 है और ये क्या है, 25। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन अच्छे से रीड करो और रीड करके मतलब समझ के फिर आंसर लो। ठीक है, ना समझ आया हो तो वीडियो को 1 2 3 बार जितनी बार रिवाइंड करना है करके देखना, पर समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। बच्चों आपका थर्ड नंबर एनसीईआरटी में देखो, द बेस ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल इज 4/3 cm, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 × 2/15 cm,
व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। देखो सबसे पहले आइसोसेलस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलस ट्रायंगल ऊपर लिख लो, आइसोसेलस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, ठीक है, ये और ये साइड इक्वल होती है उसे कहते हैं आइसोसेलस ट्रायंगल, दोनों साइड्स इक्वल होती हैं उसे कहते हैं आइसोसेलस ट्रायंगल, ठीक है। अगर ये ए है ये भी ए है, अगर ये एक्स होगी तो ये भी एक्स होगी, ठीक है, आइसोसेलस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती है। और दूसरी चीज, इसने बेस वर्ड यूज किया, ठीक है, बेस क्या होता है, इसे बेस कहा जाता है, ठीक है, ये जो है इसे बेस कहते हैं, ठीक है। अच्छा आप क्वेश्चन समझते हैं, बेस ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, ये आइसोसेलस ट्रायंगल है, क्या बोल रहा है, बेस ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, 4/3 सेंटीमीटर है। फिर पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 × 2/15 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर है 4 × 2/15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स, कह रहा है ये जो बाकी इक्वल साइड्स हैं इसकी लेंथ क्या है। तो मतलब एक्स सपोज करो, सब लेट द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स बी एक्स सेंटीमीटर, ठीक है, कह रहा है जो बाकी की साइड्स हैं उनकी लेंथ एक्स सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 × 2/15 पेरीमीटर। अच्छा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल मतलब तीनों साइड्स का टोटल। देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला देखो, यहाँ पे समझो ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसकी ए है लेंथ, इसकी बी है, इसकी सी है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये होगा, ठीक है। कोई पूछे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, तो तीनों साइड का टोटल, ठीक है, तो आप पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल की बात हुई है तो उसी का फॉर्मूला लिख दो, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, तीनों साइड का प्लस, ठीक है, ये बेस कितना दिया हुआ है 4/3 प्लस ये वाली साइड क्या सपोज की है x प्लस ये वाली साइड क्या है x। अच्छा आपने इन दोनों को x क्यों लिखा, क्योंकि ये आइसोसेलस ट्रायंगल है, आइसोसेलस ट्रायंगल का नियम है कि उसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, तो अगर इसको x सपोज किया है तो ये भी ऑटोमेटिक x ही होगा क्योंकि ये आइसोसेलस ट्रायंगल है। आप कहोगे मैडम बेस क्यों, बेस भी हो 4 × 2/4/3 क्यों नहीं है, तो बेस 4/3 बेस है, बेस हमेशा बड़ा होता है बाकी के दो साइड से, ठीक है, बेस बड़ा होता है, तो वो बड़ा अगर वो थोड़ी इक्वल होगा क्योंकि साइड फिर बड़ी हो जाएगी, ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, ठीक है, तो इस साइड एक्स सपोज किया तो इसको भी एक्स ही बोलोगे क्योंकि आइसोसेलस ट्रायंगल है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, 4 × 2/15, ठीक है, तो देयरफॉर 4 × 2/15 इज इक्वल टू 4/3 प्लस, ठीक है, एक्स प्लस एक्स कितना हुआ 2x, ठीक है, 4/3 एक्स प्लस एक्स 2x, ठीक है, 4/3 एक्स प्लस एक्स 2x, ठीक है, 4/3, ठीक है। अच्छा
देखो 4 इंटीजर 2 अपॉन 15 है, तो कैसे करोगे? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का क्या है वैल्यू? 4 इंटीजर 2 अपॉन 15, ठीक है, 4 इंटीजर 2 अपॉन 15, ठीक है। अच्छा अब इसको सॉल्व करो, देयर फोर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 15 4 जा 60, ठीक है, 15 4 जा 60 60 प्लस 2 62 अपॉन 15 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 प्लस 2x, ठीक है। 4 अपॉन 3 उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो देयर फोर 62 अपॉन 15 माइनस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2x। मैं अभी सिंपल सॉल्व कर रही हूँ, अच्छा इसको यहाँ नहीं ले जाती हूँ। कैसे सीखा था आपने? जैसे सीखा था सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करते थे? 15 और 3 का एलसीएम निकालो, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, 15 और 3 का एलसीएम, 3 1 जा 3 5 जा 5 1 जा, एलसीएम कितना आया? 15, तो 2 और 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देयर फोर 15 मल्टीप्लाई 62 अपॉन 15 15 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3 प्लस 15 मल्टीप्लाई 2x, ठीक है। कट शॉर्ट करो, देखो यहाँ पे 15 1 जा 15 1 जा, ठीक है, 3 1 जा 3 5 जा, तो क्या होगा? देयर फोर 162 जा 62 इज इक्वल टू 5 4 जा 20 प्लस 15 2 जा 30x, ठीक है, 15 2 जा 30x, ठीक है। अभी 20 उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है, तो देयर फोर 20 उधर ले जाओ, 62 माइनस 20, तो देयर फोर 62 माइनस 20 प्लस 20 इधर आएगा तो माइनस 20 इज इक्वल टू 30x, ठीक है। 62 में से 20 है तो कितना हुआ? 42 इज इक्वल टू 30x, ठीक है, तो देयर फोर 42 अपॉन 30, ठीक है, इज इक्वल टू x, x को अकेला बना रही हूँ। कट शॉर्ट करो, 3 की टेबल से कट शॉर्ट होगा, 3 10 जा 30 3 1 जा 3 1 बचा 3 4 जा 12, फिर से 2 से कट शॉर्ट करो, 2 5 जा 10 2 7 जा 14, ठीक है, तो 7 अपॉन 5, तो देयर फोर x इज इक्वल टू 7 अपॉन 5 इज इक्वल टू x, ठीक है, तो देयर फोर x इज इक्वल टू 7 अपॉन 5, ठीक है, x इज इक्वल टू 7 अपॉन 5 मीटर। अच्छा आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो कर दो, 7 अपॉन 5 को इंटीजर में करना है तो कर दो, ठीक है, तो इज इक्वल टू 7 अपॉन 5 को करो, 5 बाहर 7 अंदर 5 1 जा 5 2, ठीक है, तो कैसे लिखोगे? ये जो बीच में है वो नीचे और जो ऊपर है वो बीच में, जो नीचे है वो ऊपर, ठीक है, तो 1 इंटीजर 2 अपॉन 5 मीटर, ठीक है, तो इन दोनों साइड्स की क्या है? 1 इंटीजर। अच्छा अगर 7 अपॉन 5 रखना है तो 7 अपॉन 5 रखो, तो फाइनल आंसर स्टेटमेंट में लिख दो, देयर फोर
द लेंथ ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड्स, देयरफॉर द लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड इज 7/5 meter है, 180 is 2/5 meter, जो भी देखो पीछे क्या आंसर है. एक सेकेंड, इन पीछे शायद इंटीजर में ही है, तो आप इंटीजर में लिखो 180 is 2/5 centimeter. ठीक है, सेंटीमीटर है पीछे, इंटीजर में ही है. इंटीजर में कन्वर्ट होता है तो करने का, इंटीजर में कब कन्वर्ट होता है मतलब मिक्स फ्रैक्शन में कब कन्वर्ट होता है, जब आप आपका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर छोटा होता है तो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है. मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं उसको, सेंटीमीटर. ठीक है, तो द लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड इज 1 into 2/5 centimeter. ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर. अब ये वाला देखो, फोर्थ नंबर, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95. इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, फाइंड द नंबर्स. ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो नंबर्स का टोटल 95 है, अगर एक दूसरे से 15 ज्यादा है तो बताओ नंबर्स क्या होंगे. ठीक है, वन नंबर एंड द अदर, देखो दो दो नाम है, वन नंबर एक्सीड्स द अदर. ठीक है, तो जो पीछे लिखा होता है उस पर एक्स सपोज करो, तो लेट द अदर नंबर बी एक्स. ठीक है, तो फिर वन नंबर क्या होगा, वन मतलब फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर देयरफॉर फर्स्ट नंबर एक्सीड्स का मतलब क्या होता है, वन एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब मैंने कल भी समझाया था, एक्सीड्स का मतलब इक्वल टू और प्लस. क्या लिखा हुआ है, इफ वन एक्सीड्स द अदर, वन एक्सीड्स द अदर, वन एक्सीड फर्स्ट नंबर एक्सीड द अदर, अदर नंबर क्या है एक्स, एक्सीड्स द अदर बाय 15. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ. ठीक है, क्या बोल रहा है, इफ वन तो फर्स्ट नंबर, एक्सीड्स का मतलब इक्वल टू और प्लस होता है, एक्सीड्स का मतलब इक्वल टू और प्लस, द अदर, अदर नंबर को तो x सपोज किया तो x बाय 15, तो x प्लस 15. ठीक है, तो अदर नंबर x है और फर्स्ट नंबर है x प्लस 15. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 95. क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम का मतलब क्या होता है, सम, एसयूएम सम मतलब प्लस. ठीक है, सम ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स कौन से, फर्स्ट नंबर और अदर नंबर. फर्स्ट नंबर क्या है, x प्लस 15 और अदर नंबर क्या है x. तो सम नंबर ऑफ फर्स्ट नंबर एंड अदर नंबर इज 95. ठीक है, तो देयरफॉर ये आपने कैसे लिखा फर्स्ट नंबर का, ये भी क्वेश्चन से ही लिखा था, देखो ये पढ़ के. ठीक है, हर चीज जो भी क्वेश्चन में एक एक लाइन होती है ना वो काम की होती है, वर्ड प्रॉब्लम में कोई भी लाइन फालतू नहीं दी होती है क्वेश्चन में, हर चीज हर लाइन काम ही आती है आपको. ठीक है, जैसे ये लाइन पढ़ी तो आप ये लिख पाए. ठीक है, अब ये फर्स्ट लाइन पढ़ी तो ये लिख पाए. ठीक है, इक्वेशन तैयार हो गई, एक्स प्लस एक्स, वन एक्स प्लस, आगे कुछ नहीं मतलब वन हुआ ना, आगे कुछ भी नहीं मतलब वन कहलाता है. ठीक है, वन एक्स प्लस वन एक्स कितना होगा 2x. ठीक है, तो देयरफॉर 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 95. तो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 95 माइनस 15. देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 95 में से 15 गए, ठीक है, 5 में से 5 गए 0, 9 में से 1 गए 80, 9 में से 1 गए 8. ये 2x इज इक्वल टू 80, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 80/2. ठीक है, कट शॉर्ट करो तो 2 वन जा 2 फोर जा 0 का 0. ठीक है, तो x इज इक्वल टू 40, x 40 आया तो ये अदर नंबर आया, फर्स्ट नंबर क्या होगा, तो देयरफॉर
फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स प्लस 15, तो इज इक्वल टू 40 प्लस 15। 40 प्लस 15 कितना होगा? 40 50 55। ठीक है, तो क्या लिखोगे फाइनल आंसर स्टेटमेंट में? द नंबर्स आर देयर फोर द नंबर्स आर 55 एंड 40। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब यही है, आपका आंसर निकालना है व्हाट प्रॉब्लम है, तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ो। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ने का और आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों अभी फिफ्थ नंबर देखो, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। ठीक है, फिफ्थ टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3 इफ दे डिफर बाय 18, इफ दे डिफर बाय 18 वॉट आर द नंबर्स? ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स किसमें दिए हुए हैं? 5:3। ठीक है, रेशियो का मतलब क्या होता है? अपॉन में होता है। ठीक है, तो अपॉन में कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो व्हाट आर द नंबर्स? आपको नंबर्स फाइंड करने हैं, तो सॉल्यूशन लेट द नंबर्स बी 5x एंड 3x। कैसे? देखो यहाँ पे जैसे रेशियो दिया हुआ है, 5/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ जरूर कोई नंबर रहा होगा, x जैसा कोई नंबर रहा होगा जो कटा होगा। ठीक है, तो हम क्या सपोज कर रहे हैं कि लेट द नंबर्स बी 5x एंड 3x। क्यों मैं ऐसे सपोज कर रही हूँ? क्योंकि ये रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है, रेशियो में दिया हुआ है और हमको यही नंबर्स फाइंड करने हैं, 5:3 5x एंड 3x। ठीक है, कभी भी रेशियो में दिया हो तो आप ऐसा ही सपोज करोगे कि लेट द नंबर्स भी जो रेशियो दिया हो वो और x। ठीक है, लेट द नंबर्स भी 5x 3x। ठीक है, इफ दे डिफर, डिफर का मतलब क्या होता है? माइनस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ दे डिफर, डिफर का मतलब माइनस। ठीक है, इफ दे डिफर बाय 18, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 18। किसका? 5x और 3x का, 5x और 3x। ठीक है, 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो 5x में से 3x क्या है? 2x इज इक्वल टू 18, देयरफॉर x इज इक्वल टू, x क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड आएगा, 18/2। ठीक है, कट शॉर्ट करो, तो देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 2 1 जा 2 9 जा, एक्स इज इक्वल टू 9। ठीक है, एक्स 9 आया, अब लिखो देयर फोर द नंबर्स आर, आंसर द नंबर्स आर 5x क्या है? 5 × 9, 5 9 जा 45, और 3x। ठीक है, 3x इज इक्वल टू 3 × 9, 3 9 जा 27। ठीक है, तो ये दो नंबर्स हैं, 45 और दूसरा 27। ठीक है, इस तरह से ये आपका आंसर सिंपल सा है, सपोजिशन का ही सारा इसमें काम है। ठीक है, 5x ने सपोज किया, फिर माइनस किया, आंसर आया, बस फिर वैल्यू डाल दो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका सिक्स्थ नंबर, 3 consecutive integers, सिक्स्थ 3 consecutive integers, 3 consecutive integers एड अप टू 51, add up to 51, what are these integers? ठीक है, what are
these integers. देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, व्हाट आर दीज इंटीजर्स. तो सॉल्यूशन, थ्री कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का मतलब क्या होता है, एकदम बाजू बाजू में, ठीक है, जैसे 1, 2, 3, ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, 8, 9, 10, ठीक है, तीनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स. तो इंटीजर्स क्या होते हैं, एक के बाद एक, ठीक है. तो सपोज कैसे करेंगे, तो देखो व्हाट आर दीज इंटीजर्स, तो तीनों को सपोज करना है. तो लेट द इंटीजर्स बी, लेट द थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स b x x plus 1 x plus 2, ठीक है. थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कौन से हैं, मतलब एक के बाद एक, ठीक है, x x plus 1, एक एक बढ़ता है ना, जैसे 1, 1 के बाद 2, तो वैसे आपको सपोज करना है, ठीक है. तो व्हाट आर दीज इंटीजर्स, लेट द थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब सलंग, एक के बाद एक, ठीक है. तो लेट द थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स b x x plus 1 x plus 2, ठीक है. तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, ठीक है, तीनों का टोटल, एड अप टू मतलब एड मतलब प्लस. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, तीनों का टोटल x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, तीनों का टोटल क्या है, थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, ठीक है, 51. तो देयरफॉर देखो x प्लस x प्लस x, x प्लस x प्लस x कितना होगा 3x, ठीक है, 1x प्लस 1x प्लस 1x 3x, 1 प्लस 2 कितना होगा 3 इज इक्वल टू 51, ठीक है. तो देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 51, 3 उधर जाएगा तो माइनस 51 माइनस 3, therefore 3x is equal 51 में से 3 के 48, ठीक है, therefore x क्या होगा 48 upon 3, कट शॉर्ट करो 48 और 3 को, 3 1 जा 3 3 6 जा 18, ठीक है. तो therefore x क्या आया, therefore x is equal to 16, तो therefore x is equal to 16, ठीक है, x 16 है. x plus 1 और x plus 2 भी फाइंड करना है, x और x plus 1 x plus 2 भी तो फाइंड करना है. तो x plus 1 is equal to, x plus 1 क्या है, x क्या है 16 है ना, तो 16 plus 1 17, ठीक है. फिर x plus 2 भी फाइंड करो, x क्या है 16 प्लस 2, 16 प्लस 2 18, तो तीनों कौन से हुए 16 17 18. तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, ये भी आपका है 17 और ये आपका 18, ठीक है. तो देयरफॉर द थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर 16 17 18, ठीक है, इसलिए सड़ंग आंसर है, ठीक है. कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ही सड़ंग होता है, पर आप सपोज करते हो कॉन्जिक्यूटिव को, तो हमेशा याद रखना x x plus 1 इस तरह से सपोज करेंगे, ठीक है. अब क्वेश्चन 7 देख लो, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 भी कुछ ऐसा ही है, पर डिट्टो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ट्विस्ट है ये. हम मोस्टली आज हम नंबर्स वाले सम्स ही कर रहे हैं, ठीक है.
एनसीईआरटी में आपको वर्ड प्रॉब्लम की इतनी सारी प्रैक्टिस दी हुई है कि मेरे को लगता है आपको आर्टिशर्मा नहीं करनी पड़ेगी, पर अगर आपकी इच्छा हो, अगर आप फ्री हो, आप आर्टिशर्मा प्रैक्टिस करते हो तो बहुत अच्छी बात है। वर्ड प्रॉब्लम में लगता है मैं कर सकती हूँ तो करना। अच्छा, अब यहाँ देखना, हम कर रहे हैं 7th नंबर, ठीक है। द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। फाइंड द मल्टीपल्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, फाइंड द मल्टीपल्स। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 मतलब 8 का मल्टीप्लाई सपोज करना है। ठीक है, मतलब 8 का मल्टीप्लाई वाला सपोज करना है। तो लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, कौन से हैं, 8x, ठीक है, 8x, क्योंकि 8 का कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 सपोज करना है ना, तो 8x, फिर दूसरा मल्टीपल क्या होगा, 8x प्लस 8, ठीक है, 8 का गैप करना है ना, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 बोल रहा है, 8 की टेबल पढ़ो पहले, मतलब 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, तो देखो 8x, फिर 8x प्लस 8, फिर 8x प्लस 16, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 मतलब 8 का गैप बोल रहा है वो। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव वाले शब्द का मतलब समझो, कॉन्जिक्यूटिव मतलब तरत बाद, तुरंत बाद, ठीक है, मतलब 8 है तो 16, फिर 21, तो वैसे ही, तो आपने पहले को अगर 8x सपोज किया तो दूसरा 8x प्लस 8 होगा, दूसरा 8x प्लस 16 होगा। ठीक है, तो क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, सम, सम का मतलब प्लस, तीनों का प्लस क्या है, 888। ठीक है, तो तीनों का प्लस, तो 8x प्लस 8x प्लस 8, तीनों का प्लस करना है, प्लस 8x प्लस 16 कितना दिया हुआ है, इस सम का मतलब एलसीएम सम इज 888। ठीक है, अब करो इसको, कैसे करेंगे, देयरफॉर 8x प्लस 8x प्लस 8x कितना होगा, 8 प्लस 8 16 प्लस 8 24, तो 24x होगा, प्लस 8 प्लस 16, 8 प्लस 16 क्या होगा, 24, वो भी 24 होगा, 8 प्लस 16 भी क्या होगा, 24 इज इक्वल टू 888। ठीक है, अब क्या करोगे, सॉल्व करो, प्लस 24 उधर ले जाओ तो माइनस 24, तो देयर फोर 24x इज इक्वल टू 888 माइनस 24। ठीक है, 888 माइनस 24 करो, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 2 गया 6 और 8, ठीक है, 864, तो देयरफॉर 24x इज इक्वल टू 864। ठीक है, x फाइंड करो, देयरफॉर x इज इक्वल टू 864 डिवाइड 24। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है, कट शॉर्ट कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो डिवाइड करो। ठीक है, 24 को 864 से डिवाइड करो,
ठीक है 24, तो 24 3 जा 3, 4 जा 12, 3 2 जा 6, 72, ठीक है 24 3 जा 72 माइनस 6 में से 2 गया 4, 8 में से 7 गया 1, ठीक है 14 4 नीचे उतारो, ठीक है 24 की टेबल में 144 का बात है, तो 24 6 जा 6, 4 जा 24, 6, 2 जा 12, 13, 14, 144, तो 24 6 जा 144, तो क्या है आंसर 24 और 864 को कट शॉर्ट करोगे तो 36 आंसर आएगा, तो therefore x is equal to 36, ठीक है इसको कट शॉर्ट करोगे 24 1 जा 24 36 जा, और छोटा छोटा कट शॉर्ट पाता है 3 8 जा 3, फिर ऐसे करके छोटा छोटा पाता है तो भी करो, मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है एक ही बात है, आपको अगर ऐसे नीचे कट ऊपर कट नीचे कट ऊपर कट ऐसे पाता है आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है x 36 आया, ठीक है तो x 36 है, तो बस the three consecutive multiples of 8 are, तो therefore the three consecutive multiples of 8 are 8x क्या है 8x क्या आया 36, ठीक है 36 8 जा करो 36 8 जा 8 6 जा 48, 8 3 जा 24, 24 प्लस 4 28, ठीक है 288, ठीक है फिर 8x प्लस 8 इज इक्वल टू x क्या है 36, ठीक है 836 प्लस 8, 836 जा क्या आया था 288, ठीक है 288 प्लस 8 क्या होगा 288 प्लस 8, तो 288 प्लस 8, 8 और 8 16, 9, 296, ठीक है फिर से 8x प्लस 16, ठीक है 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 8x क्या है 296, ठीक है 296 प्लस 16, ठीक है 8296, सॉरी x तो 36 ही है ना, x क्या है 36, ठीक है 836 का क्या है फिर से 288 प्लस 16, ठीक है 288 प्लस 16 करो, तो 288 प्लस 16 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10, ठीक है तो 304, ठीक है तो the three consecutive multiples of 8x is 288, 296 and 304, ठीक है तो final answer आपने लिख दिया, the three consecutive multiples of 8 is 288, 296 and 304, ठीक है तो इस तरह से आपका last sum हुआ, देखिए चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही होंगी पर इसलिए मैंने आपको सम्स की पहले अच्छे से प्रैक्टिस दे दी थी कि भाई सम आपको अगर सॉल्विंग करना आएगा तो ही आप वर्ड प्रॉब्लम कर पाओगे, मुझे पता था वर्ड प्रॉब्लम वाला पार्ट आएगा हल्का सा डिफिकल्ट लगेगा, पर मैं वही कहूंगी आप जब वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो पूरा मतलब अच्छे से समझो, क्वेश्चन जरूर लिखना आंसर लिखना, और होमवर्क में जितने मैंने अभी क्लास वर्क में कराए उतने के उतने खुद से ट्राई करना, ठीक है टेक्स्ट बुक खोल के देखना कि हम कर पाते हैं, क्योंकि आप तुरंत तुरंत नहीं कर पाओगे सेकंड टाइम तो आप फिर आगे जाके क्या करोगे, ठीक है एकदम दिमाग में बैठ जाने चाहिए, बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इस चैप्टर में, मेरे ख्याल से 40 प्लस 40 से ऊपर वर्ड प्रॉब्लम है अगर मैं टोटल काउंट करूँ सिर्फ इस चैप्टर के, तो बहुत मतलब अभी थोड़े थोड़े करके पक्के नहीं करोगे, पक्के इन द सेंस समझ के, ठीक है समझो क्या होना है पद्धति क्या होगी, तो समझोगे नहीं ना तो नहीं आएंगे, ठीक है बहुत सीरियसली करना क्लास वर्क,
क्वेश्चन के साथ लिखना, ठीक है, क्वेश्चन के साथ क्लास वर्क लिखना और होमवर्क में चलेगा, आप क्वेश्चन नहीं लिखना पर वो खुद से करने की कोशिश करना, ठीक है, इस तरह से दो टाइम करना, ठीक है, चले, थैंक यू।